नमस्कार फूडीज, लता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सांभर की रेसिपी। सांभर जो मेरे तरीके से बनाई हुई, मेरी स्टाइल के सांभर, जिसके लिए हमें चाहिए तुअर दाल। ये 100 ग्राम के आसपास तुअर दाल है और मूंगफली के दाने हैं एक मुट्ठी जितने। ये वेजिटेबल में आलू और बैंगन हैं। आप चाहें तो लौकी डाल सकते हैं, सहजन की फलियां डाल सकते हैं। ये प्याज है और थोड़े से हरी मिर्ची भी साथ में मैंने काट ली है, लगभग एक हरी मिर्च है ये कटी हुई। टमाटर है, हरा धनिया, ये इमली का पल्प है, इमली भिगो के मैंने उसको छान ली है। और यहाँ हमारे पास मसालों में नमक है, ये नारियल का बुरादा है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सांभर मसाला है, लगभग 1.5 चम्मच सांभर मसाला है, छौंक के लिए राई, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और ये धनिया पाउडर है। तो फूडीज, हमको पहले सबसे पहले दाल उबालनी है, जो मैंने यहाँ आप देख रहे हैं मैंने उबाल के तैयार कर ली है, कुकर में उबाल ली थी। इसमें मूंगफली के दाने साथ में डाल लेने हैं हमको और इस तरह से आपको उबाल लेनी है। तो हम बनाते हैं सांभर, गैस ऑन करते हैं। एक बर्तन रख लिया है ऊपर और उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें दाना मेथी डाल देंगे और राई भी डाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर फूटने तक गर्म होने देते हैं। आंच कम कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता मिलाएंगे और प्याज डाल देंगे। प्याज हल्के गुलाबी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमें। अब हम इसके अंदर दूसरी वेजिटेबल मिला लेंगे। मिक्स कर लेते हैं। आंच को मीडियम कर लेंगे और इसको कुछ देर के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ देर के लिए हम और पकाएंगे सब्जी को। वापस ढक्कन लगा लेते हैं। सब्जी पक गई है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर। ये चारों मसाले आपको अपने स्वाद के अनुसार मिलाने हैं। एक बार मिक्स कर ले अच्छी तरह से और अब हम इसके अंदर टमाटर मिलाएंगे। मिक्स कर लेते हैं। पुलिस, बहुत लोग सांभर में आलू नहीं डालते हैं, पर आलू क्योंकि बच्चों का फेवरेट होता है, बाकी सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं, आलू के साथ सांभर बना के देखें, बहुत ही बेहतरीन बनती है। टमाटर को हमने 1 मिनट जितना पका लिया है, हल्के गलने लग गए हैं। अब हम इसमें इमली का पेस्ट मिलाएंगे। इसे सोच समझ के डालें, जितना खट्टा आपको खाना है। एक बार चख जरूर ले सांभर बनाने समय। और थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकने देंगे, इमली के पेस्ट के अंदर ये सब्ज़ी पकाएंगे। इमली का पेस्ट भी पक गया है। अब हम इसके अंदर ये उबली हुई दाल मिला लेंगे और जितना हम पतला करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी भी डाल लेते हैं।
दाल में हमने अच्छी तरह से पानी डाल लिया था जितना हमको पतला करना है। अब इस दाल को हम कुछ थोड़ा सा घोट लेंगे घोटनी से, ताकि पानी और दाल एक से मिक्स हो जाए अंदर। हमने दाल को घोट लिया है, आप देखें ये अच्छी तरह से घुट गई है। अब हम इसमें सांभर मसाला डाल देंगे और साथ ही साथ हम ये नारियल का बुरादा है वो भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और सांभर गाढ़ी होती है। सांभर में उबाल आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं शक्कर मिला रही हूँ सांभर में, आप गुड़ चाहो तो गुड़ भी मिला सकते हो। इमली का बैलेंस करने के लिए शक्कर डालना ज़रूरी है। अब इसे 15 मिनट के लिए कम आंच पे हम उबलने देते हैं, उसके बाद में हम इसमें धनिया मिलाएंगे। सांभर में बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है और बहुत अच्छी तरह से उबल गई है। इसको उबलते हुए लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। हरा धनिया डाल लेते हैं अंदर। पाँच मिनट हमने और सांभर उबाली थी धनिया डालने के बाद में। अब ये तैयार हो गई है, हम गैस बंद कर लेते हैं और हम प्लेटिंग करेंगे। ये इडली है, जो बीच में एक इडली मैंने मैश कर ली, क्योंकि साउथ इंडिया में इडली को मैश करके खाया जाता है और हम नॉर्थ वाले कुछ इस तरह से इडली को सर्व करते हैं। तो फूड इस प्लेटिंग कर लें। प्लेटिंग कुछ खास नहीं, नॉर्मल सी है, बस हमको खाने से स्वाद से निस्बत है। ये रही आपका इडली सांभर। तो फूडीज ये है इडली सांभर, मेरे अपने स्टाइल में बनाया हुआ। आप इसे पसंद करें तो मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हड़बड़ाने के लिए सॉरी, थैंक यू।